जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम निफ्टी 50 की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आप सभी के बीच लाए हैं, जो कि कल के लिए होने वाली है, यानी कि कल एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे के लिए स्पेशल हम वीडियो आप सभी के बीच बना रहे हैं, ये प्रस्तुत कर रहे हैं। कल जो है जितने भी छोटे ट्रेडर हैं, यानी कि अगर आप 500 रुपए भी लेके आएंगे तो 5000 तक बना के जा सकते हैं दोस्तों। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको 10 रुपए की कॉल भी 100 रुपए होती हुई नजर आई होगी कई बार, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। अदरवाइज धीरे धीरे करेंगे तो समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। यहाँ पे जो 10-10 रुपए वाली कॉल्स होती है 200-250 तक पहुंच जाती है बैंक निफ्टी में। हालांकि निफ्टी 50 की भी जो कॉल्स होती है 10-20 रुपए की कॉल्स पहुंच जाती है 100-150 रुपए। तो इस तरह से एक अच्छा मूवमेंट अगर आप पकड़ पाते हैं, सही जगह पे एंट्री बना लेते हैं तो आपको वो प्रॉफिट देके जाएगा ही जाएगा। बहुत सारे लोग बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं पैसा इसमें। बन सकता है कैसे, हम बताएंगे आपको लेवल्स। कल मैंने जो बताया था, जिस लेवल में हमने बताया था, जैसे बताया था उस हिसाब से मार्केट चली है। अगर आपको भी देखना है चलिए नहीं चली है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जाइए, हमारी डेली एनालिसिस के नाम से प्लेलिस्ट बना के हमने रखी है ऑलरेडी, उसे आप देख सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को देखिए और जुड़िए हमारे साथ, फिर देखिए नेक्स्ट डे मूवमेंट हमारे लेवल्स में होता है या फिर नहीं होता है। अगर होता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है आप सभी को। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कल के क्या लेवल्स होने वाले हैं, कौन सा नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है और किस रेंज में आपको कहां पे कौन सी एंट्री बनानी होती है। देखिए दोस्तों, आज मार्केट ने किस प्रकार से मूवमेंट किया है वो आप सभी लोग जानते ही हैं, देखे ही होंगे आज की मार्केट को। तो यहां पे कुल मिला के 17,715 के आसपास में मार्केट क्लोज करी है, 17,715 के आसपास में मार्केट जो है क्लोजिंग दी है। लेकिन जहां पे क्लोजिंग दी है उसके ठीक ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, तो मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। मार्केट को ऊपर जाने के लिए फिलहाल कहां जाने के लिए संकेत दिखाई दे रहे हैं, संकेत दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट हो सकता है नीचे की ओर जाए, क्योंकि मार्केट ने जहां पे क्लोजिंग दी। देखिए चीजों को समझिएगा, छोटी छोटी बातें जो है बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे सकती है आप सभी को, तो यहां पे चीजों को समझिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं अपना राय, या फिर अपना जो भी सजेशन है, अपना कंप्लेन भी, या फिर अपने डाउट्स भी कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। विदिन आवर्स हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। अदरवाइज दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आप सभी को कि अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो तो आप सभी को प्रोवाइड ही कराई जाती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। हम बात कर रहे थे कि जहां पे मार्केट ने जो है क्लोजिंग दी है, यहाँ पे आज मार्केट बंद हुई है, उसके ठीक ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 15-15 मिनट की कैंडल्स कई बार आके टकरा के ऊपर चली गई है। सबसे बड़ी बात तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की ओर गई और अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिला है। बाइक में जाके भी देखेंगे तो कई सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिले, ये तो खैर देखने को मिला ही है। साथ ही साथ हमारा जो और एक्स्ट्रा एनालिसिस जो हम करते हैं, पीसीआर वैल्यू या फिर ऑप्शन चेन डेटा का, जो बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर होता है, या फिर तमाम सारे टूल्स एंड इंडिकेटर्स के प्रयोग के बाद में, तमाम सारी थ्योरीज के बाद में जो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो है 17,800 का ये जो लेवल बन रहा है ऊपर, हमने नोट करके रखा है, इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, 17,800 का ये वाला लेवल, और नीचे की साइड में ये 17,665 का लेवल। इस लेवल को पहले मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप सभी लोग भी नोट कर लीजिए, फिर मैं चीजों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। यहाँ पे ये जो लेवल है 70, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इस लेवल को, ताकि आप सभी को कोई कंफ्यूजन हो। हाँ, आप देखिए ये वाला जो लेवल है मैंने नीचे लगा के रखा है 17,650 का, और यहाँ पे 17,800 का। देखिए इन लेवल्स के बीच में जब तक मार्केट रहती है तब तक आपको ऐसे 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 घुमा सकती है, मतलब आपका एक अच्छे मूवमेंट में पैसा बने, एक अच्छा प्रॉफिट, एक लंबा प्रॉफिट आप कर पाएं। इस मूवमेंट में जब तक रहती है, इस लेवल में जब तक रहती है मार्केट, तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि नहीं है। तो इस लेवल में जब तक मार्केट रहती है, इनके 17,650 के ऊपर कल ओपनिंग करा देती है, कहीं भी ओपनिंग कराए 17,650 के ओपनिंग कराती है ऊपर, 17,760 के नीचे अगर मार्केट रहती है तो आपको कहीं ना कहीं इसी लेवल में मार्केट घूमती हुई नजर आएगी। ये मैंने बता दिया, 17,650 को टकराने के बाद में एक बार ऊपर जा सकती है। हाँ, यहां भी मार्केट जा सकती है, 17,660 के ऊपर जाएगी, तो ऊपर की साइड में मूवमेंट आपको तब तक नहीं देखने को मिलेगा, एक अच्छा मूवमेंट तब तक आपको देखने को नहीं मिलेगा जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देती है, 17,800 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं देती है तब तक। सीई की पोजीशन में मेरे कहने का मतलब ये है कि तभी आप बनेंगे जब 17,800 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है 15 मिनट की कैंडल,
और सस्टेन रहती है थोड़ी देर, तब आप सी की पोजीशन बन सकते हैं, अदरवाइज सी की पोजीशन इसके नीचे नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो दोस्तों मैंने जो सपोर्ट्स बताए हुए हैं यहाँ पे, आप सपोर्ट्स पे बाय करते हैं, सी के लिए बन सकते हैं और नीचे आप जो है एक छोटा सा ऐसे ले सकते हैं। तो इस तरह से सी की पोजीशन में पैसा बना सकते हैं, मतलब सपोर्ट पे आपको सी बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल कर देना है, रेजिस्टेंस पे पी बाय करना है और सपोर्ट पे सेल कर देना है। इतना तो खैर आप सभी लोग समझदार हो ही गए हैं, हमारे साथ बन के रह के देख सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं बताया कि ये वाला नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है आपका ये वाला, मतलब 17760 से लेकर के 760 से लेकर के 800 तक, इस 40 पॉइंट में आपको नहीं फंसना है। जब तक मार्केट जो है इसके ऊपर ब्रेक करेगी इसके ऊपर, तब आपको सी की पोजीशन बाय करनी है। चलिए, इनके सी की पोजीशन में आप रहते हैं तो आपके कौन से लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर कौन से लेवल्स तक बने रह सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल रे। यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये वाला, ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे लेवल मैं लगा देता हूँ 17,900 पे। फिलहाल मैं राउंड फिगर लेता हूँ, ये है एक्चुअली 17,920 के आसपास में। एग्जैक्ट अगर लगाऊं तो 17,910 का ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। तो ये लेवल नोट कर लीजिएगा, ये लेवल एक बेहद अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ ऊपर ना जाने के मार्केट का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ से मार्केट आने के बाद में फिर से नीचे की ओर आ सकती है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब 17,910 का ये लेवल है। अगर 800 को क्रॉस करती है तो 17,910 को टच कर सकती है। इनकेस इस लेवल को भी ऊपर जाती है, हालांकि नहीं जाएगी, अगर जाती है तो 18,100 का लेवल हमने आप सभी को बता दिया है। 18,100 का ये लास्ट लेवल हो जाता है अपसाइड में। फिलहाल कल इससे ज्यादा मूव नहीं करेगी। अभी हम बताएंगे आपका पैसा जो है कहाँ पे डबल ट्रिपल हो सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। नीचे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। नीचे की साइड में आपको पी की पोजीशन तभी बनानी है जब कौन सा लेवल ब्रेक करेगा, 17,650 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो आपको पी की पोजीशन बना लेनी है। और पी की पोजीशन बनाते हुए प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे और 17,450 को लेवल ये वाला टच करता हुआ आप लोग देख पाएंगे। तो मतलब इतना तगड़ा मूवमेंट नीचे की साइड में आएगा कि मेरे ख्याल से एक झटके में ये टच कर सकता है। मतलब यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो 17,450 तक आ सकती है बिना कहीं रुके ठुके। फिर भी यहां पे एक जो है सपोर्ट मिला है ये वाले लेवल पे, तो यहां पे आप सभी लोग अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर ऊपर की साइड में बने हुए बन के आए हैं पी की पोजीशन, तो यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से फिर अगर डाउन जाने लगती है तो इसके बाद में आप 17,450 के लेवल तक बने रह सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो सपोर्ट है ये वाला हमने बनाया कहाँ पे है, ये चीजें भी आप सभी को बता दें कि ये वाला लेवल आप ले सकते हैं। यहाँ पे लाइन ही ड्रा कर देता हूँ मैं, 17,575 का ले लीजिए। इस लेवल पे आप जो है अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं 17,575 का। मतलब इसके बाद में आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद में आपको यहां तक ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहां पे कोई पोजीशन बना लेते हैं, यहां पे अगर कोई पोजीशन बना लेते हैं 10-20-30 रुपए की एक्सपायरी वाली 12 बजे के बाद, 1 बजे या फिर 2 बजे के आसपास में, तो डेफिनेटली आप 3 बजे तक यहां तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पैसा इस दिन जीरो भी होता है, मूवमेंट आ सकता है, एनालिसिस है अपनी अपनी, 100% कुछ कंफर्म नहीं होता है, पहले मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। इसलिए वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज कीजिएगा आप सभी लोग। वीडियो में बाई सेल करने का कोई उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह ले लें। तो दोस्तों, यहाँ पे 17,450 के नीचे भी आपको एक लेवल देखने को मिलेगा। इनकेस इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो आपको 17,325 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए लेवल लास्ट हो जाता है कल के लिए, एक्सपायरी डे के दिन इतना ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट आ सकता है। वो सारे लेवल्स हमने आप सभी को बता दिए। दोस्तों, एनालिसिस करता हूँ आप सभी के लिए, आप सभी का प्यार मिलता रहे इसी तरह से जिस तरह अभी मिल रहा है। वीडियो को लाइक वाइक करते रहिएगा, शेयर वगैरह करते रहिएगा। कल एक मित्र ने कमेंट किया था, मैसेज किया था मुझे टेलीग्राम के माध्यम से कि सर आप लाइक की और शेयर की टेंशन ना लें, मैं 20-25 लोगों से तो ऐसे चैनल सब्सक्राइब करा दिया हूँ आपका। तो उस भाई के लिए दिल से थैंक यू और आप सभी के लिए दिल से थैंक यू। आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है तभी तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि जलने वाले या फिर हैटर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका सिर्फ यही काम होता है, तो जलने वाले कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ये मेरा मानना है। आज एक दुखद सूचना आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोग जानते ही होंगे बताने की क्या बात है। उम्र में तो खैर हमसे दोगुनी उम्र के थे, लेकिन मित्रवत व्यवहार था, एकदम मित्रवत बातचीत हुआ करती थी राजू श्रीवास्तव जी से। तो राजू श्रीवास्तव जी आज
हमें छोड़ के चले गए, इस बात का बहुत ही दुख है और मैं स्तब्ध था उनकी इस मृत्यु को लेके। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, आप सभी का स्नेह हमें ऐसे ही मिलता रहे, आप सभी लोग दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रे करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आला।